अगर आपके पास Redmi या Xiaomi डिवाइस है तो ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखो, क्योंकि काफ़ी दिन बाद HyperOS का सिस्टम लॉन्चर में एक नया फीचर ऐड हुआ है अपडेट में। ये मार्च का अपडेट है और मैं यूज़ कर रहा हूँ Redmi Note 11 Pro Plus 5G HyperOS Plus Android 13। तो अगर आपका भी डिवाइस में Android 13 है, HyperOS है, तो आपको ये अपडेट कर लेना चाहिए, और Android 14 है तो ऑब्वियसली और जल्दी करो, आपको और बेटर फीचर्स देखने मिलेगा। तो देखो, इसको अपडेट करने के बाद कोई ऐसा विजिबल फीचर ऐड नहीं हुआ जो कि आपको होम स्क्रीन या होम स्क्रीन सेटिंग में देखने को मिल जाएगा, बट आपको इसमें एक AI फीचर देखने को मिलता है जो कि HyperOS 2.0 में देखने को मिलने वाला ऑफिशियली। तो इसमें आपका AI लर्निंग जो है फीचर ऐड किया गया लॉन्चर में, जैसे आप यूज़ कीजिएगा लॉन्चर को उस हिसाब से वो लर्न करेगा और उस हिसाब से आपको जो है बेटर एक्सपीरियंस देने वाला। तो इसमें ऐड हो चुका है, ये आपका मार्च का अपडेट में ऐड होने वाला, तो ये आपका मार्च का अपडेट है, इसमें ऐड हो चुका है। तो बस इसको आपको ट्राई करना है, अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद आपको वो नया फीचर जो कि AI लर्निंग है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखो, वो तो आपको यूज़ करके ही पता चलेगा क्या AI है। और देखो, गैलरी में ऐड हो चुका है, वॉलपेपर कैरोसेल में ऐड हो चुका है, और धीरे धीरे आपका और भी जगह में ऐड होने वाला है। लॉन्चर में भी ऐड हो चुका है ये अपडेट में। तो अगर आपको चाहिए ऑब्वियसली तो ये लॉन्चर अपडेट करके देखो और बताओ कैसा लगा आपको ये AI लर्निंग वाला लॉन्चर। और अगर आपको आपका Redmi और Xiaomi डिवाइस में इंस्टॉल करना है तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस आपको डाउनलोड करना, वो उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जाओ पहले सेटिंग्स में और फिर जाओ ऐप्स में, मैनेज ऐप्स में, और देख लो वर्जन। तो ये वर्जन आपको बेसिकली जो अपडेट करना है, और ऑब्वियसली आपको लिंक तो मिल ही जाता है तो जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको सर्च करना है सिस्टम लॉन्चर, सिस्टम लॉन्चर सर्च कीजिएगा, आपका आपका सिस्टम लॉन्चर का वर्जन देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये आपका सिस्टम लॉन्चर का वर्जन है। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है अपडेट करने में, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होना चाहिए, अगर आपका फेस वो मतलब अगर आप फेस कर रहे हैं, तो बस आपको जाना है अनइंस्टॉल अपडेट में और अनइंस्टॉल अपडेट करो। अनइंस्टॉल अपडेट करने के बाद जो वर्जन का लिंक मैं दे रहा हूँ उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको सेव करना है, क्योंकि आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर रहे हैं। और फिर आपको सेव करने के बाद आपको जाना आपका फाइल मैनेजर में, और फाइल मैनेजर में जाने के बाद रीसेंट्स पे जाइएगा, तो रीसेंट में आपको देखने मिल जाएगा सिस्टम लॉन्चर का APK, और नहीं तो आपका APK में देखने मिल जाएगा। सिंपली उसमें टैप करो, अपडेट करो, और बताओ कैसा लगा आपको ये सिस्टम लॉन्चर का अपडेट जो कि इसमें आपका AI लर्निंग का फीचर ऐड किया गया। तो आई होप आपको ये फीचर और ये वीडियो पसंद आया होगा। तो देखो, पसंद आया और आपको ऐसा वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक, अपडेट रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ जाओ वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कुछ पूछना नीचे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।